वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज HPTET मेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा। इसका जीके का पोर्शन मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल में उसको चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके जो हैं वो सही हैं। अब हम केमिस्ट्री के सेक्शन को कवर करेंगे। आज मेडिकल के साथ साथ टैट का भी टैट आर्ट्स का भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, तो उसकी पूरी की पूरी आंसर की सारे सेक्शंस के साथ ऑलरेडी अपलोड करवा दी गई है। आप उसको ज़रूर चेक करें और अपने आंसर जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें कि कितने आपके आंसर जो हैं वो सही हैं। तो केमिस्ट्री के सेक्शन को आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए 31 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। ये सीरीज सी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जीके के सेक्शन को जो है वो डिस्कस कर दिया है मेडिकल के एग्जाम का, तो इसको जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 31 क्वेश्चन में हमें बोला गया था कौन सी विधि का उपयोग नमक को पानी से अलग करती है। तो ऐसी कौन सी विधि है जो नमक को पानी से अलग करने के लिए की जाती है, तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था। इवेपोरेशन का इसमें यूज किया जाता है, यानी कि बाष्पीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल निकल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और वो बसा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात बोली गई है कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें प्लेटिनम और निकल एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज द प्रोसेस और टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये जो है वो फैट बनाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन में जो है वो कहीं ना कहीं पे एक मिस्टेक जो है वो मेरे को लग रही है। निम्नलिखित में से किसे कठोर जल में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए कठोर जल में इस्तेमाल किया जा सकता है, अब साबुन और डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल को क्या करते हैं, हटाते हैं, यानी कि उनसे वो सॉफ्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात जो है वो क्लियर नहीं की गई थी कि कठोर जल में किसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली कठोर जल में जो है वो मैग्नीशियम होते हैं, उसके बाद क्लोरीन या फिर क्लोराइड्स उसमें जो है वो पाए जाते हैं। तो 33 क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे मेरे को जो है वो आधा अधूरा जो है वो लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 34 क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो देखिए इसी क्वेश्चन की तरह मैं बात कर रहा था, डायरेक्ट पूछा गया कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है किसकी वजह से होता है। देखिए उसमें पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है, लेकिन उस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट पाए जाते हैं, साथ में क्लोराइड्स पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, सर्दियों की सुबह में जो संगमरमर की टाइल होती है उनके कंपैरिजन में जो लकड़ी की टाइल की तुलना में जो संगमरमर की टाइल होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। आप भी जानते हैं आजकल जैसे सर्दियों का समय है तो संगमरमर जो है वो ज़्यादा ठंडा लगता है, तो किस कारण होता है। तो ये जो है ये बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन अ वुडन टाइल, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, पॉलीकॉट किसके मिश्रण से प्राप्त होता है। 36 क्वेश्चन है, पॉलीकॉट जो है वो पॉलिएस्टर और कॉटन यानी कि पॉलिएस्टर और कपास से मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है। इजी क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्लास्टिक में नहीं काउंट किया जाता है, इसका भी आंसर ऑप्शन डी था। नेक्स्ट सामान्य समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो कैसे हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में पाया जाता है आयरन, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैग्नीशियम की अगर बात करें तो क्लोरोफिल में जो है वो क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, और हमारे ब्लड में जो है वो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। 40 क्वेश्चन है, अगर आयरन की बोल को 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर ड्रॉप किया जाता है एक वाटर में, 40 डिग्री सेल्सियस का ही उसकी टेम्परेचर रखा गया है उस वाटर का और उस बोल का,
तो क्या होगा, तो इसमें बोला गया कि हीट क्या फ्लो करेगी या फिर नहीं करेगी, तो इसका राइट आंसर है नो, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बोल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बोल, हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, ब्यूटोन इज अ फोर कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन, कीटोन ग्रुप का है ये, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, देखिए 10th लेवल का क्वेश्चन है, Fe जो है वो आयरन है और Al जो है वो एल्यूमिनियम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक जो है वो दी गई थी, तो ये वैसे क्वेश्चन जो है वो आपका कहीं ना कहीं से जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Fe जो है वो इसके साथ अलग चला गया और एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे O3 आना था, तो ये Ap2 लिखा गया है, यहाँ पे Al आएगा आपका, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कोई दो प्रोडक्ट बनाता है, तो वो कौन कौन से हैं, तो दो प्रोडक्ट जो हैं, जब इथेनॉल इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है ये बनाता है सोडियम इथोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, तीन प्रोटॉन और चार न्यूट्रॉन के साथ एक परमाणु की बैलेंसी कितनी होगी, उसकी संयोजकता आपको बतानी थी, तो तीन प्रोटॉन है यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तीन है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि लिथियम की बात की गई है, तो बैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के ही जो है वो कोरिलेट करती है, तो देखिए फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, ठीक है, और लास्ट शेल में कितना आएगा, सिर्फ एक आएगा, या तो वो सात किसी से ले ले या तो फिर वो एक किसी को दे दे, तो इजी क्या है, एक देना, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, एक होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्लोरीन आयन में संयोजकता कितनी होगी, देखिए क्लोरीन में होती है, उसके लास्ट शेल में कितने आते हैं, सात आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव दिया गया है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव का मतलब है उसने एक ले लिया है, तो पहले सात थे तो अब कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल जो है वो किसके लिए उत्तरदायी था, तो अल्फा पार्टिकल से रदरफोर्ड ने किसकी थ्योरी, किसकी डिस्कवरी की थी, अटोमिक थ्योरी जो है वो वहां पे बताई थी, अटोमिक न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 47th क्वेश्चन है, सबसे अधिक अणुओं की संख्या जो है वो किसमें होगी, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पदार्थ उनके कणों के बीच आकर्षण बल को जो है वो आपको व्यवस्थित करना था, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो आपको अरेंज करना था, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उनमें जो रेशो रहती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वो आपको बतानी थी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो रहती है वो है 2:1, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट, फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, वाइट फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है, तो पानी वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही था, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा हाइड्रोकार्बन संयोजन अभिक्रिया देता है, संयोजन अभिक्रिया जो है वो दी जाती है C3H6 के द्वारा और साथ में C2H2 के द्वारा, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी में आपको दिया गया था ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है यशद लेपन, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कौन सा अधिकतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाता है, तो सबसे ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, देखिए आप देख सकते हैं सोडियम 11th नंबर पे आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकन फास्फोरस, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने,
जस्ट अ सेकंड, सोडियम मैग्नीशियम आता है नेक्स्ट, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन और फास्फोरस। तो ये इनके एटॉमिक नंबर हैं 11, 13, 14 और 15। तो जब इसकी बैलेंसी को लिखा जाता है तो 2, 8, 1 आएगा, ये आपके पास बनेंगे, क्या बनेंगे, 2, 8 और ये 3, ये बनेंगे 2, 8 और 4, ये 2, 8 और 5। तो सबसे ज़्यादा किसमें है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो आएगा 5th, यानी कि फास्फोरस इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, इसमें बोला गया था कि बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट करता है एनिमल वेस्ट को, हाँ चेंज ए जो है वो वेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं से वो केमिकल चेंज होगा, सही बात है। बायोगैस जो है वो एज अ फ्यूल जो है वो उसको यूज़ किया जाता है, ये भी एक केमिकल चेंज है, तो दोनों सही हैं, तो बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर द केमिकल चेंज, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ, तो विनेगर जो है वो किसका सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, देखिए एसिटिक एसिड कोई भी हो सकता है। अब अल्कोहल की बात की गई है यहाँ पर और यहाँ पर, तो अल्कोहल तो होता नहीं है सिरके में, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा क्या, ये वाला चीज बची, ठीक है, इसमें बताया था कि एसिटिक एसिड कितना होता है, वाटर में थोड़ा सा ही एसिटिक एसिड डाला जाता है, सिर्फ 5 से 8% तक, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है, देखिए शिमला में रहने वाले व्यक्ति ने अनुभव किया कि प्रेशर कुकर का उपयोग जो है वो बिना खाना पकाने में अधिक समय लगता है, हाँ ऊंचाई पर क्या होता है, तो देखिए हाइट के ऊपर जब जाते हैं तो ज़्यादा समय क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई चढ़ते जाएंगे हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वहाँ पे कम हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दाब जो है वो कम हो जाएगा। 57 है, कौन सी वस्तु गैंग के साथ अभिक्रिया करके पदार्थ बनाती है, यानी कि एक मटीरियल बनना चाहिए, तो वो है स्लैग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, लोहे के जंग के बारे में बताया गया था, तो बोला गया है आयरन रस्ट फास्टर इन स्लाइन वाटर देन अ प्योर वाटर, बिल्कुल सही, समुद्री पानी जो होता है जैसे खारा पानी, उसमें जल्दी से जंग लगता है, क्योंकि उसमें जो है वो मैग्नीशियम क्लोरीन ये मटीरियल जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं ज़्यादा, उसके कम सक्रिय धातुएं जल्दी संक्षारित होती नहीं। देखिए जैसे सोना है लेस एक्टिव मेटल है, किसी के साथ कोई इसको लेना देना नहीं है, तो वो उतना जल्दी जो है वो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। हवा और नमी संक्षारण को कम करती है, नहीं, हवा और नमी उसको बढ़ाती है। धातुओं में मोड़ खरोंच या फिर कटने पर संक्षारण धीरे होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जंग तभी लग सकता जब वो नमी के उसके कॉन्टैक्ट में आए, लेकिन अगर नमी ज़्यादा हो जैसे कि वाटर और स्लाइन वोटर की बात की गई है, तो नमी किसमें ज्यादा होती है, स्लाइन वोटर में ज्यादा देखने को मिलती है, नमी के साथ साथ उसमें जो है मैग्नीशियम और जो भी मिनरल्स हैं जिंक हैं उनके साथ वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन ए में जंग सबसे जल्दी लगेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता तो उसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अगर ठंडी आइसक्रीम है तो दूसरा सिरा चम्मच का क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा, लेकिन देखिए बात किसकी की गई है, लकड़ी के चम्मच की, तो लकड़ी का चम्मच जो है वो ठंडा नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, लकड़ी का चम्मच जो है वो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हीट जो है वो पास नहीं होती, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के सेक्शन का, अग्निशमक उपकरण का उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो इसके दौरान कौन सी गैस निकलती है, कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आग को बुझाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाएगी और ऑक्सीजन आग को जलाएगी, ऑक्सीजन आग को जलाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाएगी, तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड ही वहां से निकलेगी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। तो टैट मेडिकल का हमने केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो कवर किया, आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन आपने किए हों वो बिल्कुल सही हों आपके, एक बार वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, अपनी आंसर की ज़रूर शेयर करें कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, जल्दी ही इसकी एक कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो, पूरे एक पेपर की वीडियो, 150 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट जो है वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा विजयपथ एजुकेशन के द्वारा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि
आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो हमारी अपकमिंग एग्ज़ाम के ऊपर ही बेस्ड रहने वाली हैं। शाम 8 बजे HRTC कंडक्टर का हमारा बैच जो है वो लाइव है। डेली आप 8 बजे हमारे साथ मॉक ज़रूर लगाइए हमारी लाइव क्लास में। जल्दी ही मैं नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।